वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है होम एंड अब्रोड। होम यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं और अब्रोड यानी कि आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन। जो जैसे कि हमारी फैमिली में कोई बाहर रहने जाते हैं तो कुछ सालों तक वहाँ पे रहना होता है, उसके बाद वो यहाँ पे आ सकते हैं ऐसे। तो वो इसकी स्टोरी है कि भाई एक फैमिली है, उसकी फैमिली में उसके जो अंकल आंटी होते हैं वो अबू धाबी जो कि सऊदी अरेबिया में आया है तो वहाँ पे रहते हैं, और जब वो इंडिया आते हैं तो इंडिया की जर्नी वो देखते हैं और जो सऊदी अबू धाबी जो है उसकी जर्नी अपनी फैमिली वालों को बताते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हमें अब्रॉड के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 171 से चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है होम एंड अब्रॉड। फर्स्ट पैराग्राफ, सिंस मॉर्निंग एवरीबडी हैज बीन रनिंग अराउंड एट जेल्स हाउट, यानी कि सुबह से जेल के घर के आजू बाजू और जेल के घर में सब लोग ऐसे आते जाते रहते थे। अरविंद अंकल एंड हिज फैमिली वेर कमिंग होम आफ्टर 5 ईयर्स, उसके अंकल जो थे जिसका नाम है अरविंद अंकल जो कि अब्रॉड से 5 ईयर्स के बाद घर आने वाले थे। 5 ईयर्स अगो अरविंद अंकल गोट अ जॉब इन अबू धाबी, 5 साल पहले अरविंद अंकल जो है उनको अबू धाबी में जॉब मिली थी। सिंस देन ही हैड लीव देयर, उसके बाद वो वहीं पे रहने चले गए। जिल एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम, जिल और उसके पिताजी जो है वो उनको लेने के लिए वहाँ पे गए। आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज, यानी कि जब फ्लाइट लैंड होती है तो उनको अपना सामान जो होता है उसको लेने के लिए कुछ समय तक वेट करना होता है। At last, अरविंद अंकल, नीता आंटी एंड their children could be seen coming out. और सबसे लास्ट में अरविंद अंकल, उसकी वाइफ का नाम था नीता आंटी और उसके दो बच्चे थे वो आ रहे थे। How big Hansie and Pearl have grown. तो भाई जिल के पापा बोलते हैं कि हैंसी और पर्ल कितने बड़े हो चुके हैं। Soon many suitcases and bags were loaded into the taxi and everyone was on way to jail हाउस, उसके बाद जल्द ही उन्होंने उनका जो सामान था उसको टैक्सी में डाला और उसके बाद सब घर जिल के घर पे जाने के लिए रवाना हुए। हैंसी मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि हैंसी तुम इतनी बड़ी जर्नी पे करते करके बहुत ही थक गई होगी। फादर टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया से जिल, जिल ने ऐसा बोला हैंसी को कि भाई तुम इतने दूर से आई तो तुम थक गई होगी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला है कि अबू धाबी जो है वो इंडिया से बहुत ही दूर है। तो हैंसी यहाँ पे जवाब देती है, वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज अ फार, अवर फ्लाइट टुक ओनली 2 आवर्स, द प्लेन्स फ्लाइज वेरी फास्ट, सेड हैंसी। तो जो हैंसी जिल को कहती है कि हम लोग थके हुए नहीं हैं, और हाँ वो राइट है कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है, लेकिन हम लोग तो प्लेन में आए और फ्लाइट को यहाँ पे आने में ओनली 2 आवर्स लगे क्योंकि प्लेन बहुत फास्ट चलते हैं। तो उन्होंने हैंसी को ऐसा बताया, हैंसी ने जिल को ऐसा बताया। जिल वाज सरप्राइज्ड, जिल चौंक गई, सी रिमेंबर दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन स्कूल ट्रिप टू दिल्ली दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 20 आवर्स इन द ट्रेन, उसको याद है कि जब वो दिल्ली गई थी तो उसको 20 आवर्स तक ट्रेन में ट्रैवलिंग करनी पड़ी थी। एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम क्वाइट नियर, और जूनागढ़ में जो है जिल रहती थी और जूनागढ़ से दिल्ली गई थी तो मैप में तो जूनागढ़ से दिल्ली बहुत ही नज़दीक था, फिर भी 20 आवर्स उसको लगे थे। जिल हैंसी एंड पर्ल चैट ऑल द वे टू होम फ्रॉम एयरपोर्ट, उन्होंने जील हैंसी और पल ने जब घर पे जा रहे थे तब एयरपोर्ट से घर जा रहे तब तक उन्होंने पूरी बातें की। जील रिमेंबर हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप, जील को सब याद है कि उन्होंने कितना फन किया था जब वो अपनी स्कूल ट्रिप में गई थी। शी वॉन्टेड हैंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी, अभी वो चाहती थी कि हैंसी उसको बोले कि अबू धाबी में जो उसकी ट्रिप रही है तो वो उसने उन्हें क्या एंजॉय किया और वहाँ की सारी बातें उनको शेयर करे। अभी है सैंड ऑल अराउंड, सैंड यानी कि जो डेजर्ट की रेत होती है वो। यू हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन इजंट इट, आस्क्ड जिल जो है वो हैंसी और पल को पूछती है कि आपने प्लेन में बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें देखी होगी है ना। ऐसा जो यहाँ पे बाजू हमें पिक्चर दिया है जो प्लेन की विंडो में से खींची हुई जिसमें नीचे बहुत ही बादल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप ये देख सकते हो अपनी बुक में पेज नंबर 172 पे।
Then after, most of the time we show only clouds because the plane was flying so high. तो हैंसी और जिल रिप्लाई देते हैं कि भाई हमने बहुत ही रास्ते में बहुत सारी जगहों पे मोस्टली बादल ही देखे क्योंकि फ्लाइट जो है बहुत ही ऊपर ऊंचाई में थी, इवन हायर देन द क्लाउड्स, क्लाउड्स से भी ऊपर से हैंसी. बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वेर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज. और लेकिन जब वो ऊपर इतना ऊपर चढ़े उससे पहले जब फ्लाइट थोड़ी नीचे थी तब हमने देखा कि फ्लाई हमारा हम जो है सैंडी एरिया के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं. इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ सैंड केप चेंजिंग वाइट ब्राउन येलो रेड ब्लैक. वो सैंड ही थी लेकिन सैंड का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा था, जैसे कि वाइट ब्राउन येलो रेड ब्लैक. ऐसे वी शो माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड. हमने ऐसे ऐसे माउंटेन्स देखे जो कि पूरे सैंड से ही बने हुए थे. दे आर कोल्ड सैंड ड्यून्स, जिसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है. एडल्ट पर्ल, आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर सेड. जिल ने बोला कि मैंने तो सिर्फ सी शोर पे ही सैंड देखी है, उसके अलावा कहीं पे नहीं. देन यू शुड कम टू विजिट अस शेड. अरविंद भाई, अरविंद भाई कहते हैं तो तुम्हें सैंड देखने के लिए हमें मिलने ऑब्वियसली आना चाहिए क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो उसमें डेजर्ट बहुत ही ज्यादा है और अबू धाबी जो है वो सऊदी अरेबिया में आया हुआ है. इसलिए देन आफ्टर द कंट्री अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया. जो कंट्री है अबू धाबी में वो डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है. इवन इफ वन ड्राइव्स एट लिटिल वे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड. यानी कि अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसको माइल्स एंड माइल्स यानी कि बहुत दूर तक उसको सिर्फ सैंड देखने को मिलती है. नो ट्री नो ग्रीनरी जस्ट सैंड. वहां पे कोई ट्री नहीं और कोई ग्रीनरी नहीं, सिर्फ सैंड और सैंड देखने को मिलती है. I used to dream of thick greenery and cool water around our home in Gujarat, said Neeta aunty. Neeta aunty कहते हैं कि मैंने हमेशा यही सपना देखा है कि हमारे घर के आजू बाजू में एकदम थिक ग्रीनरी और कूल वाटर हो और हम गुजरात में रहें. आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. वो नीता आंटी और ऐड करती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मैं बहुत समय बाद ये सब देख रही हूँ गुजरात में आके. The children have almost forgotten how they feel when it rains. You know, it almost never rains in desert area. Water is really very precious over there. No rain, no rivers, no lakes, no ponds. Even yellow, the ground, there is no water. But there is lot of oil under the sandy soil. So, petrol is easily available in these countries. Added Pearl, in fact, petrol is cheaper than water, said अरविंद अंकल. उसके बाद क्या होता है कि चिल्ड्रंस भी ऐसा भूल गए होंगे कि भी उन्होंने बारिश आती है तो कैसा फील होता है. वो फीलिंग भी वो बहुत ही भूल गए होंगे क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है वहाँ पे कि बारिश आती है तो कैसा एटमॉस्फेयर होता है, कितना मज़ा आता है बारिश में नहाने में. और वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई अरविंद अंकल ऐसा पर्ल और अरविंद अंकल ऐसा बताते हैं कि भाई आपने तुझे तो पता ही है कि भाई डेजर्ट एरिया में बारिश कभी कभी होती नहीं है तो फिर होती ही नहीं है, ऐसा बहुत कम होती है और कोई कोई जगह पे होती नहीं है. और वहाँ पे पानी बहुत ही कीमती होता है क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं होती है, रिवर्स नहीं होते, लेक्स नहीं होते और पॉन्ड्स नहीं होता है. और साथ ही साथ ग्राउंड अंडरग्राउंड जो होता है वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है. सैंड के नीचे क्या होता है तो सैंडी ऑयल होता है, जो क्रूड ऑयल हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं वो. और पेट्रोल जो है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है सऊदी अरेबिया की कंट्रीज में. और पल ऐसा कहती है और बाद में अरविंद अंकल ऐसा कहते हैं कि पेट्रोल वहाँ पे बहुत ही सस्ता होता है और सऊदी अरेबिया जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज को पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है. देन आफ्टर बाय दिस टाइम ऑल रीच इट जील्स हाउस. इस वक्त सब जिल के हाउस पहुँच गए थे. हैंसी एंड पर्ल वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स. हैंसी और पर्ल बहुत सारे फ्रूट्स देख के बहुत ही सरप्राइज हो चुके थे. कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बैटरनट, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज. पर्ल से वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम, बिकॉज ऑफ इट इज ओनली वन दैट कैन बी ग्रोन इन द डेजर्ट. वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट होते हैं और बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो भाई पर्ल कहती है कि हमें तो सिर्फ वहाँ पे एक ही तरीके का ट्री देखने को मिलता है जो डेजर्ट में होता है, डेट पाम. और फ्रूट भी हमें वही खाने को मिलता है क्योंकि वो बहुत इजीली डेजर्ट में ग्रो हो जाते हैं. ये सारे फ्रूट हमें वहाँ पे खाने को नहीं मिलते हैं. नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स.
After they had met everyone, Nita aunty unpacked their bags. They had brought gift for everyone. They gave dates for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Pearl showed Zeal some currency, notes and coins. Hansi explained that the money they use in Abu Dhabi is called dirham. It had some writing in the local Arabic language. They also showed many photographs of the place where they lived. अभी नीता आंटी जो है वो अब्रॉड से आए हुए हैं, तो वो बहुत सारे गिफ्ट्स बच्चों के लिए लेके आए हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले मिल लिया. उसके बाद उन्होंने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दिए अपना बैग खोल के, और उनको जो खजूर होते हैं, डेट्स होते हैं वो खाने को दिए, और बहुत ही स्वीट और टेस्टी थे. और पल जो है वो जील को कुछ करेंसी और नोट्स दिखा दिए, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ और कॉइन्स, रुपीज़ और पैसे होते हैं, वैसे वहाँ पे करेंसी चलती है, जो जिसको हम बोलते हैं दिरहम. उसके ऊपर लोकल अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है, और वो वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. अरविंद अंकल गेव जील अ ग्लोब. ही सेड, जील व्हाई डोंट यू फाउंड अबू धाबी ऑन दिस ग्लोब एंड वेयर इज गुजरात. द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेस ऑन द ग्लोब. जील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ आल्सो. अभी अरविंद अंकल जो है वो जील को ग्लोब देते हैं. ग्लोब यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. ग्लोब को ऐसा बोलते हैं कि ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का छोटा सा एक मॉडल जो कि ग्लोब होता है, तो वो अरविंद अंकल जील को देते हैं. और अरविंद अंकल ऐसे कहते हैं कि क्यों ना हम अबू धाबी को इस ग्लोब पे फाउंड करें उसके बाद, और गुजरात को फाउंड करें, फिर हम देखते हैं कि ये जगह दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है. उसके बाद बच्चे जो है उसको खेलने में बहुत ही मजा आता है, और जील जो है वो दिल्ली और जूनागढ़ को भी उसमें ढूंढ लेती है. इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन वरंडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ. उसके बाद सब वरंडा यानी कि जो बालकनीज होती है वहाँ पर बैठते हैं, फिर ब्रीज और कुछ फोटोग्राफ्स को एंजॉय करते हैं. दे शो दैट अबू धाबी द बिल्डिंग वेयर टॉल विथ मैनी स्टोरी एंड बिग ग्लास विंडो. वो देखते हैं कि भाई अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स है बहुत ही लंबी होती है और ग्लास विंडो से कवर्ड होती है. जील सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दिस बिग विंडो. तो जील कहती है कि भाई यहाँ पे तुझे बहुत ही अच्छा पवन आता होगा, बहुत अच्छी ब्रीज आती होगी इस विंडो में से. अरविंद अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ हीट. भाई वहाँ पे तो डेजर्ट है तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए वो कहते हैं कि गर्मी के कारण हम इस विंडोज को नहीं ओपन करते. इट इज़ एयर कंडीशनर इनसाइड ओल्ड हाउस, करके सारे जगह पे एसी लगा हुआ है. इज वेदर इज वेरी हॉट, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ. अभी वहाँ पे वेदर बहुत ही गर्म होता है, इसलिए लोग वहाँ पे बहुत ही लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं. नीचे हमें फोटो दिखाई गई है, तो आप उस फोटो को देख सकते हो. एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, इवन हेड इज ऑल्सो कवर्ड. दिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ सन. और ऐसा कहते हैं कि भाई वो अपने आप को कपड़ों से कवर्ड करते हुए रखते हैं, और अपना सर भी कवर करते हैं, और खुद को स्ट्रॉन्ग हीट और सन से बचाने के लिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं. जिल एंजॉइंग लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन्स. अभी अपने कजिन्स को अदर कंट्रीज में ढूंढते हुए उसको पिक्चर्स देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो यहाँ पे हमें फोटो दिखाई गई है वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं उसकी. नेक्स्ट, शी कॉन्स्टेंटली कैप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे हैड डिस्क्राइब अबाउट अबू धाबी. जो अरविंद अंकल और उनकी फैमिली जिल को बताती है अबू धाबी की, तो वो अबू धाबी को अपने सिटी से कंपेयर करती है, और ऐसा सोचती है कि यहाँ पे ऐसा है तो वहाँ पे ये नहीं है, अबू धाबी में ऐसा है तो हमारे जूनागढ़ में ऐसा नहीं है. ऐसा शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास. और वो ऐसा डिसाइड करती है कि भाई एक रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट बनाएं जो कि अबू धाबी के ऊपर हो, और अबू धाबी की कुछ चीज़ें हम उसके क्लास में बच्चों को दिखा और उसको एक्सप्लेन करे, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया था. नीचे एक थी डिस्कशन राइट का पोर्शन है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क है, वो अभी हमें नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्टली नीचे क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे. नेक्स्ट,
Why do you think less tree grown in desert? आपको क्या लगता है कि desert में बहुत कम trees क्यों देखने को मिलते हैं? Because land is sandy in desert and there is a tremendous water shortage. Rainfall is also very scant. So less tree grown in desert. वहाँ पे sandy जो सैंड जो होती है डेजर्ट में उसकी वजह से और वहाँ पे बहुत ही वाटर की शॉर्टेज होती है, रेनफॉल क्यों बहुत ही कम आता है इसीलिए ट्रीज कम होते हैं. डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री? इफ यस वेयर? आपकी कोई रिलेटिव है जो कि दूसरी कंट्री में रहते हैं? अगर है तो आपको उसके बारे में लिखना है. तो फिर मेरे तो है, अगर आपके है तो यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से, नहीं है तो आपको नहीं लिखना है. यस माय अंकल एंड आंट यानी कि काका काकी लिव इन द US विद देयर फैमिली एंड अनदर अंकल यानी कि मामा लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो आप भी इस तरीके से इसमें लिख सकते हो अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर फॉरेन में है तो. उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा है तो मैंने ऐसे ऊपर लिखा, आप भी इसको ऐसे लिख सकते हो. हाउ लॉन्ग डिड दे लिव देयर? डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क? वॉज देयर एनी अदर रीज़न यानी कि वो कितने दूर रहते हैं, वो वहाँ पे गए हैं तो वो उसका रीज़न क्या है, स्टडी और वर्क या तो फिर कोई अनदर रीज़न है? माई अंकल एंड नान काका काकी हैव बिन लिविंग देयर फॉर द पास्ट ऑफ 10 years यानी कि मेरे काका काकी वहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काका वेंट देयर फॉर स्टडी, सबसे पहले मेरे अंकल जो है वहाँ पे स्टडीज़ के लिए गए थे. देयर आफ्टर ही फाउंड अ जॉब देयर इटसेल्फ एंड सेटल देयर विथ माई काकी, उसके बाद उसको वहाँ पे जॉब मिला और मेरी आंटी के साथ वो सेटल हुए. सिंस माई मामा हैज़ गॉट एन इंजीनियरिंग जॉब इन एन ऑस्ट्रेलिया कंपनी ही स्टे देयर, उसके बाद मेरे मामा जो है उसको ऑस्ट्रेलियन कंपनी में कोई जॉब मिली तो वो वहीं पे रह गए. अगर आपकी फैमिली में कोई वहाँ पे रहता है तो वो क्यों गया है वो रीज़न आपको यहाँ पे दिखाना है. उसके बाद नीचे ये जो करेंसी है उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है. तो ये है 5 रुपीज़ और ये है नीचे है 10 रुपीज़ और नेक्स्ट है दो नोट्स 100 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़, राइट? और ये तो आपने देखी होगी अपने घर में. उसके बाद नेक्स्ट है, टू विच कंट्री दस दिस करेंसी बिलोंग? हाउ डिड यू नो? ये करेंसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है आपको कैसे पता होगा? द करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया. आई न्यू बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिटन ऑन ईच करेंसी नोट. RBI जो है वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करती है, इसलिए RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वो इस करेंसी के ऊपर लिखा हुआ है. हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? आप किसकी पिक्चर्स ये नोट्स के ऊपर देख सकते हैं? वी कैन सी पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ अवर नेशन. टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू सी ऑन द नोट? यानी कि आपको क्या करना है, एक 10 रुपीज़ की नोट लेनी है और उसको अच्छे से देखना है और कितनी लैंग्वेज वहाँ पे लिखी हुई है आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑन ऑब्जर्विंग द 10 रुपी नोट केयरफुली वी कुड सी 15 लैंग्वेज ऑफ वेरियस स्टेट ऑन इट. यानी कि 10 रुपीज़ की नोट में 15 लैंग्वेज लिखी हुई होती है. राइट द नेम ऑफ बैंक गिवन ऑन द नोट. द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी कि जो नोट है नोट के ऊपर बैंक का नाम लिखा है वो आपको लिखना है. तो भाई नोट के ऊपर कौन सी बैंक का नाम लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद ऑब्जर्व द कॉइंस मैच देम अकॉर्डिंग टू देयर हैंड्स हेड्स एंड टेल्स. भी आपने हेड्स एंड टेल्स तो बहुत ही खेला होगा तो इसमें तो बड़ा ही मजा आएगा. तो आपको उससे ये जो है वो मैच करना चाहिए. 1 रुपीज़ है, फिर ये 5 रुपीज़ है जो दो आगे पीछे दिए हैं, फिर ये 2 रुपीज़ है और ये 50 पैसे की नोट है, राइट? इसके बाद नीचे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करने हैं. विच कॉइन रिमेन्स विदाउट मैच? द 10 रुपी कॉइन रिमेन विदाउट अ मैच. कौन सा जो है कॉइन वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपने ऊपर मैच किया तो कौन सा कॉइन रह गया? 10 रुपीज़ का नोट कॉइन, ठीक है? द 10 रुपी कॉइन रिमेन्स विदाउट अ मैच. उसके बाद हाउ मेनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज? आप कौन से कॉइन को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपने कौन से कॉइन्स देखे हैं? तो भाई मैंने तो सारे देखे, तो आई रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ द कॉइन गिवन अबोव. उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू? वैल्यू के अलावा सारे सिक्कों के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? तो इसका आंसर बहुत बड़ा है तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा, आपको भी ऐसा लिखना है. अदर देन द वैल्यू द नेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड द ईयर इन विच द कॉइन वॉज मिंटेड इज रिटन ऑन ईच कॉइन. यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, तो हमारे कंट्री का
नेम इंडिया और कौन से ईयर में ये बनी हुई होती है वो लिखा हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अवर नेशनल एम्बलम, हमारे जो नेशनल एम्बलम है द अशोक चक्र इज ऑल्सो सीन ऑन देम एंड द स्लोगन सत्यमेव जयते इज रिटन ऑन देम। हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है नेशनल एम्बलम वो और जो है कि लाइक सत्यमेव जयते ये स्लोगन भी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है जिसमें जो अलग अलग कंट्रीज के नॉर्थ से उसको आइडेंटिफाई करके उस कंट्री का नेम यहाँ पे लिखना है। तो ये है इंग्लैंड, फिर ये है इंडिया, फिर ये है अमेरिका, फिर ये है ये भी है अमेरिका और ये यूएसए वाला है, ये है ओमन, उसके बाद ये इंडिया है, ये चाइना है, राइट, फिर ये है चाइना, ये है ओमन और ये भी है चाइना, फिर नीचे भी है चाइना, इंडिया एंड इंग्लैंड। और उसमें ऐसा है कि जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग नहीं करता है उसके ऊपर आपको सर्कल करते रहना, ठीक है। तो एक्टिविटी आपको करनी है और अगर आपके पास आपकी फैमिली में भी कोई बाहर हो तो आप उसके पास से उसकी करेंसी भी देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और कुछ आपकी फैमिली मेम्बर्स जो बाहर रहते हैं तो उसके पास से आपको फोटोज़ मंगा के उसकी जगह उस जगह के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते थे। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वंदे मातरम।